अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज शाओस एंड आज के लेक्चर में हम अटेम्प्ट करेंगे सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2। यहां पर अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। हमें डियर स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल फाइंड करनी है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल फाइंड करनी है। इसके लिए फर्स्ट पार्ट में x2 + y2 = 25 ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल और पॉइंट गिवन है 4, 3। अब इस क्वेश्चन को हम टू मेथड से अटेम्प्ट करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है हम इसे अटेम्प्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। यहां पर आप नोटिस कीजिएगा हमारे पास गिवन है x2 + y2 = 25। मैं इसे क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसका बनेगा, x2 + y2 का राइट साइड पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसका बनेगा, कांस्टेंट का। तो डेफिनेटली x2 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, x2 का डेरिवेटिव बनेगा 2x dx upon dx + 2y dy upon dx, constant का derivative 0, यानी derivative with respect to जब x लेंगे तो x का derivative with respect to x 1 बनता है, ये write करने की जरूरत नहीं है, ये बना 2x + 2y dy over dx is equal to 0। dear student हम इसे dividing by 2 कर देंगे तो ये बनेगा x + y dy over dx is equal to 0। हम कह सकते हैं यहाँ से हमारे पास y dy over dx is equal to minus x, this implies that dy over dx is equal to minus x upon y। अब हमें कैलकुलेट करना है डेरिवेटिव एट पॉइंट 4, 3। तो यहाँ पर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x1, सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारे पास y1। तो अब हम लिखते हैं, नाउ हमारे पास है डेरिवेटिव dy over dx at 4, 3। तो डियर स्टूडेंट क्या बनेगा, हमारे पास x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 3 और ज्योमेट्रिकली हमें डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसे इसको किसके ले सकते हैं, स्लोप के, और आपको पता है स्लोप को m से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट, हमारे पास पॉइंट कौन सा है, पॉइंट है x1, y1। तो डेफिनेटली यहाँ पर इक्वेशन क्या है, y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास फार्मूला है, वैल्यू पुट करता हूँ, y - y1 क्या है 3 इज इक्वल टू स्लोप माइनस का 4/3, x - x1 क्या है हमारे पास, x1 है 4। अगेन क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड करेंगे। जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप नोटिस कीजिएगा ये बनेगा 3y - 9 इज इक्वल टू -4 × x - 4। इसे हम अगेन सिंपलीफाई करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 3y - 9 इज इक्वल टू -4x और -9 + 16। तमाम वैल्यू को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3y - 9 + 4x - 16 = 0। अगर इसे अगेन सिंपलीफाई करेंगे तो ये बनेगा 4x प्लस का 3y माइनस का 25 = 0। और इसे डियर स्टूडेंट हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 4x प्लस 3y is equal to 25। ये है हमारे पास required equation of tangent to the circle at point 4, 3। अब next है second part। second part में हमें क्या करना है, हमें calculate करनी है equation of normal to the circle इसी पर। अब dear student equation of normal to the circle calculate करने के लिए formula सबसे पहले मैं write करता हूँ यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू सर्कल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल क्या बनेगी, इक्वेशन हमारे पास बनेगी y - y1 इज इक्वल टू -1/m x - x1। वैल्यू पुट करते हैं y - y1
ये हमारे पास 3 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्लोप क्या है, ये बनेगा इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल डायरेक्टली राइट कर देते हैं। जब इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लूंगा तो वो क्या बनेगा, 3 अपॉन 4 बनेगा। x माइनस x1 क्या है, x1 है हमारे पास 4, मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये बनेगा 4y माइनस 4 3 दैट 12, 3 इनटू x माइनस 4, अगेन सिंपलीफाई करेंगे 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 12, तमाम वैल्यू को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये बनेगा 3x माइनस 12 माइनस का 4y प्लस का 12 इक्वल टू 0। और अगर हम इसे फर्दर सिंपलीफाई करते हैं क्योंकि ये कैंसिल हो चुका है, 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल एट पॉइंट 4, 3। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास, डियर स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल वही है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, जस्ट पॉइंट चेंज हो चुका है। पॉइंट क्या है, पॉइंट का x1 कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5 cos थीटा, y1 कोऑर्डिनेट है 5 sin थीटा, तो सेम सबसे पहले क्या करेंगे, हम राइट करेंगे गिवन इक्वेशन। यहां पर हमारे पास है गिवन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, मैं क्या करूंगा इसे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो ये y स्क्वायर का 2y, और y का डेरिवेटिव dy ओवर dx क्योंकि ये कैलकुलेट करना है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अगेन इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2x प्लस 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड कर दिया, x प्लस y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अगेन से सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, y dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस x। अब इसे फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो dy ओवर dx किसके इक्वल आएगा, माइनस का x अपॉन y। अब हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव लेना है एट पॉइंट dy ओवर dx एट पॉइंट 5 cos थीटा कॉमा 5 sin थीटा। डियर स्टूडेंट इसमें जहां x है हमने क्या पुट कर दिया, 5 cos थीटा, जहां y है हमने क्या पुट कर दिया, 5 sin थीटा। आप नोटिस कीजिएगा 5 5 से कैंसिल तो ये बन चुका है माइनस का cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब आपको पता है डेरिवेटिव जो है बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, तो हम कह सकते हैं सो स्लोप इज इक्वल टू माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, नाउ हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल क्या होगी, y माइनस y1 is equal to m into x minus x1। dear students में value put करेंगे y minus y1, ये जो हमारे पास point है इसका first x coordinate x1 है, y coordinate y1 है, तो ये बनेगा y minus y1 5 sin theta, और यहाँ पर बनेगा slope minus का cos theta upon sin थीटा x माइनस x1, ये बनेगा हमारे पास 5 cos थीटा। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय sin थीटा ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास y y sin थीटा माइनस का 5 sin स्क्वायर थीटा, राइट साइड पे माइनस का x cos थीटा माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा हमारे पास 5 cos स्क्वायर थीटा। अब xy वाली टर्म एक साइड पे शिफ्ट कर लेंगे और sin स्क्वायर cos स्क्वायर वाली टर्म एक साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा, राइट साइड पे क्या बनेगा, राइट साइड पे बनेगा 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा। अब डियर स्टूडेंट यहां पर फर्दर सॉल्व करेंगे, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, राइट साइड से जब मैं 5 कॉमन लूंगा तो ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये मशहूर जमाना फार्मूला है, पाइथागोरियन आइडेंटिटी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के, सो ये बना x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट
5 cos theta comma 5 sin theta. अब हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल में क्या होता है डियर स्टूडेंट, स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेते हैं. तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल होगी क्या, y माइनस y1 नेगेटिव 1 ओवर m, यहां पर x माइनस x1. ये डियर स्टूडेंट फार्मूला है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल एट पॉइंट x1 कॉमा y1. तो ये बनेगा 5 माइनस y1, y1 क्या है हमारे पास 5 sin थीटा. नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या बनेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा. यहां पर x माइनस x1 क्या है 5 cos थीटा, मल्टीप्लाइंग बाय cos थीटा ऑन बोथ साइड करूंगा तो ये बनेगा y cos थीटा माइनस 5, ये बनेगा हमारे पास 5 cos थीटा. sin थीटा राइट साइड पे बनेगा x sin थीटा माइनस का 5 cos थीटा sin थीटा. आप नोटिस करें डियर स्टूडेंट ये कैंसिल हो चुका है. तो रिमेनिंग क्या बना हमारे पास, y cos थीटा इज इक्वल टू x sin थीटा. अगर मैं इसे अरेंज करता हूं इस लेफ्ट साइड को राइट साइड पे शिफ्ट करता हूं तो 0 इज इक्वल टू x sin थीटा माइनस y cos थीटा. तो हम कह सकते हैं equation of normal to the circle at point x1 comma y1 क्या बनी, बन चुकी है x sin theta minus y cos theta is equal to 0, which is required equation of normal to the circle. नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट. इसमें भी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल फाइंड करनी है और हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है. तो यहां पर हम राइट करते हैं सबसे पहले गिवन 3x² + 3y² + 5x माइनस का 13y plus 2 is equal to 0. तो डियर स्टूडेंट मैं सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये बनेगा 3x विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव x square का डेरिवेटिव बनेगा 2x plus 3y square का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ये बनेगा 2y dy over dx plus 5x का डेरिवेटिव बनेगा 5 minus 13y का डेरिवेटिव dy over dx प्लस टू कांस्टेंट का 0 और इक्वल टू जो 0 है उसका भी 0. अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 6x प्लस 6y डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का 5 माइनस का 13 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, डी 6y डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 13 डी वाई ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस का 6x माइनस का 5. आप नोटिस कीजिएगा लेफ्ट साइड से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, 6y माइनस 13 यहाँ पे आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स राइट साइड से नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं 6x प्लस 5. अगेन इसे मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो हमारे पास डेरिवेटिव आ चुका है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 6x प्लस 5 अपॉन में क्या बनेगा 6y माइनस 13. अब डेरिवेटिव किस पे कैलकुलेट करना है, एट पॉइंट 1, 10/3. तो हमारे पास हम राइट करेंगे dy वाई ओवर डी एक्स डेरीवेटिव एट 1, 10/3. डियर स्टूडेंट क्या बनेगा, जहां x है 1 पुट करेंगे ये नेगेटिव है, जहां x है 1 पुट कर दिया प्लस 5 और जहां y है हमने क्या पुट कर दिया 10/3 माइनस 13. और इसे फर्दर जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो डेरिवेटिव एट पॉइंट, ये बेसिकली टेंजेंट टू द कर्व जो है स्लोप को रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली, तो हम कह सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू माइनस का 11, ये बनेगा 11. इसको इससे कट करूंगा तो ये बनेगा 2, से 13 लेस करूंगा 7, ये हमारे पास आ चुकी है स्लोप. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल क्या होती है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन. वैल्यू पुट करेंगे डियर स्टूडेंट यहाँ पर वाई माइनस वाई वन क्या है हमारे पास, वाई वन है 10/3 और इक्वल टू स्लोप माइनस का 11/7 एक्स माइनस एक्स वन क्या है 1. सबसे पहले हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बनेगा 3y माइनस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर ऑलरेडी है हमारे पास 11/7
एक्स माइनस वन बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये बनेगा 7 × 3y − 10 इज इक्वल टू −33 × x − 1। अब अगेन डियर स्टूडेंट इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा हमारे पास 21y − 70 इज इक्वल टू −33x प्लस का 33। शिफ्ट करेंगे सारी टर्म एक साइड पे, 21y − 70 प्लस का 33x − 33 इज इक्वल टू 0। अगेन सिंप्लीफाई करूँगा तो 33x प्लस का 21y − 70 − 33 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बनेगा 33x प्लस का 21y − 103 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल।